हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, समर आ चुकी है। समर में हम भाई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अपने हेयर से लेके बहुत सारी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण हमारा हेयर फॉल स्टार्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा जो हेयर ग्रोथ फास्ट रहती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हेयर रिग्रोथ नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसी 11 मिस्टेक आपको बताऊंगा जिसके कारण आपकी हेयर की प्रॉब्लम होने वाली है इस समर में। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और जो 11 मिस्टेक बताऊंगा उसको बिल्कुल सुधार लेना, और लास्ट में मेरे भाई आपको एक बोनस टिप्स देगा आपका भाई, जो आपके लिए, आपके हेयर के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को अंत तक देखना है और एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे भाई की छोटी सी इतू सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और गैस, अगर आप अपने भाई को इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा की लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गैस, बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक, जो कि गर्मियों में स्वेटिंग आना नॉर्मल चीज़ें हैं। आप कुछ करोगे भी नहीं तब भी आपको स्वेट आएगा, पसीना आएगा। तो स्वेटिंग से मतलब आपका क्या है, आपके स्कैल्प, बहुत सारे मेरे भाई जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं और उनके स्कैल्प में, पूरे बॉडी में पसीना आता है, तो वो अपने हेयर को धुलते नहीं, पसीना ऐसे ही सूख जाता है। तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम हो सकती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। अगर आपको स्कैल्प में पसीना आ रहा है तो आप दिन में एक बार दो बार नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो, क्योंकि पसीना हटाना स्कैल्प से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, अब बात करेंगे दूसरी मिस्टेक, जो कि मेरे भाई लोग बहुत अच्छे से करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शैम्पू की। गर्मियों में मेरे भाई लोग जो हैं वो शैम्पू रेगुलर यूज करते हैं, जिससे जो आपके स्कैल्प में नेचुरल ऑयल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और आपके हेयर बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, जिससे आपके हेयर बहुत ज़्यादा हल्के दिखेंगे और आपका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा और आपके जो हेयर है रूट से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे अगर आप रेगुलर शैम्पू करते हो। तो आपको रेगुलर शैम्पू नहीं करना, वीक में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम करना है, या बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है तो 3 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। तो गाइस, बहुत सारे भाइयों के माइंड में होगा कि ध्रुव भाई, बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी करेंगे कि ध्रुव भाई कौन सा शैम्पू यूज करें। तो मेरे भाई, आप कोई भी माइल्ड शैम्पू या बेबी शैम्पू यूज कर सकते हो, ध्यान रखना उसमें पैराबिन या सल्फेट ये केमिकल ना हो। अब बात करेंगे तीसरी मिस्टेक, ऑयलिंग ना करना। ऑयलिंग ना करना से मतलब है कि गर्मियों में बहुत सारे भाई लोगों को ऑयलिंग करना नहीं पसंद है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑयलिंग, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप गर्मियों में कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, बेस्ट रहेगा, हल्का होता है और अच्छा होता है, आपकी हेयर रूट्स में बहुत आसानी से चला जाता है। तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, और कैसे यूज करना है मैं बता चुका हूँ हर वीडियो में आपको। ईवियन 400 विटामिन ई की कैप्सूल आप ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है आपके फास्ट हेयर ग्रोथ में। ये विटामिन ई की कैप्सूल, जैसा कि इसमें आपको लिखा है, विटामिन ई भरपूर रहता है, जो आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और आप इसे अब कैसे क्या यूज करना है मैं बताता हूँ। आपको ऑयल लेना है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है और उसमें 2 कैप्सूल आपको पंचर करके निकाल देनी है, और उसके बाद मिक्स करके नाइट में, हाँ मेरे भाई, बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो नाइट में अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद ओवर नाइट के लिए छोड़ दो, देन शैम्पू कर लो। बस अब बात करेंगे चौथी मिस्टेक के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल एक्टिविटी। आप वर्कआउट, एक्सरसाइज अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एक्सरसाइज वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी आधी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको 30 से 40 मिनट की डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है, गांठ बांध लो, डेली ही आपको ये काम करना है। अब बात करेंगे पांचवी मिस्टेक, मेरे भाई बहुत सारे भाई लोग करते हैं, क्या करते हैं, 2 गिलास 3 गिलास में पूरा दिन गुजार देते हैं, पानी की मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखोगे तो आपकी स्किन सूखी सूखी होगी, आपकी स्कैल्प ड्राई ड्राई होगी। तो आपको करना क्या है, आपको कम से कम 3 लीटर तो पानी पीना है, 3 से 4 लीटर पानी आप डेली पी सकते हो, इसको पीना स्टार्ट करो। आपको खुद, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी बॉडी, आपकी डाइजेशन सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट
मिलेगी। अब बात करते हैं छठवीं मिस्टेक, ये मेरा फेवरेट है, आप लोग शायद बहुत सारे भाई लोग कर भी रहे हो, बहुत सारे नहीं कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन की। मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार आप एक्सरसाइज स्किप कर लो बट मेडिटेशन आप स्किप कभी मत करो। अगर आप करना स्टार्ट, शुरू में स्टार्टिंग में आपको बोरिंग फील होगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट जैसे 1 वीक तक आप रेगुलर करोगे आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। आप इससे अपने दिन की शुरुआत करो, पूरा दिन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का मेडिटेशन करो, इससे आप खुद आप करोगे, खुद जानोगे कितना अच्छा आपको हेल्प कर रहा है ये मेडिटेशन। तो मेडिटेशन अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो। अब बात करेंगे सातवीं मिस्टेक, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, बाहर की चीज़ें बहुत खाना, तेल वाली चीज़ें, ऑयली वाली चीज़ें, समोसे, ब्रेड पकौड़ा, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा खाना। तो जैसा कि आपको पता है मेरे भाई, जैसा खाओगे वैसा दिखेगा, वैसा हो जाओगे। तो आप जितना अच्छा हो सके, अच्छा सा अच्छा, पहले तो घर पे ही खाओ। और ग्रीन वेजिटेबल डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट जितनी अच्छी और क्लीन रखोगे उतना अच्छा आपका फेस, हेयर, आपकी बॉडी, आप खुद रहोगे। तो डाइट अपनी अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रखो, ग्रीन वेजिटेबल्स लाओ, और जो मौसम के हिसाब से फल आते हैं उनको आप खा सकते हो, और प्रोटीन रिच डाइट रखो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा उसको ज़्यादा खाओ, जिससे आपकी हेयर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी मसल इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं आठवीं मिस्टेक, जो कि मैं पहले करता था और मेरे भाई बहुत सारे भाई अभी करते होंगे, क्या, भीगे बालों में। पहले नंबर तो भीगे बाल अगर आपके हैं तो टॉवेल एक तरीका होता है, एक तरीके से आपको उसे सुखाना है, आपको टैप करके। अरे भाई लोग पूरा घसड़ घसड़ करके पूरे बाल की वाट लगा देते हैं रूट से, बिल्कुल। जब हमारे हेयर भीगे रहते हैं तो वो रूट से बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिनके कारण अगर आप टॉवेल घसड़ोगे तो उससे आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब अगली बार से अगर आपके हेयर भीगे हैं तो आपको टैप करके अपने हेयर को सुखाने हैं, और भीगे बालों पे कंघी नहीं मारनी है। अगर भीगे बालों पे कंघी मारोगे तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे बहुत सारे भाई लोग करते क्या है, नहा के आते हैं अपने भीगे बालों में ही ऑयल अच्छे से लगा लेते हैं, ये भी सही नहीं है। आपको ऑयल करने के बाद, शैम्पू करने के बाद ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नवीं मिस्टेक, जो 100% बहुत सारे लोग अभी जो देख रहे हो, आप भी शायद कर रहे हो, बट ये वीडियो देखने के बाद अब मत करना। मैं पहले ये कर चुका हूँ, मैं हेयर फॉल से जूझ चुका हूँ, इसके कारण मैं बात कर रहा हूँ साबुन का यूज करना अपने हेयर में। आप ही सोचो, साबुन इतना हार्ड होता है, आप जब अपने स्कैल्प में लगाओगे, आपका स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ही नाजुक होता है, तो आप अभी स्किन पे अपने साबुन लगाओ, ऐसे करो, वाइट होता है। तो साबुन में पूरे बहुत ही गंदे लेवल के केमिकल होते हैं, अगर आप स्कैल्प में अपने हेयर में लगाओगे तो पहला तो आपके जो हेयर हैं बिल्कुल झाड़ू की तरीके हो जाएंगे, इसमें जो नेचुरल साइन है वो खो जाएगी, और आपके हेयर जो स्कैल्प में डैंड्रफ जमने शुरू हो जाएगी, आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खुजली होगी। तो अगर आप साबुन यूज कर रहे हो, ये गलती अगर कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा अब भी बिल्कुल स्टॉप कर दो, एक अच्छा सा माइल्ड शैम्पू यूज करना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं दसवीं मिस्टेक, मैं बात कर रहा हूँ शैम्पू लगाना, और शैम्पू लगाना अच्छी बात है बट उसे अच्छे से ना धुलना ये अच्छी बात नहीं है। तो बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में शैम्पू लगाते हैं और उसको अच्छे से अपने हेयर से नहीं निकालते, जिसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है फ्यूचर में। तो आप ऐसा मत करो, अगर आप शैम्पू लगा रहे हो तो अच्छे से टाइम देके 5 मिनट 10 मिनट उसको अच्छे से निकाल लो अपने हेयर से, जिससे आपके हेयर भी अच्छे रहेंगे और आप भी। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है कि 11वीं मिस्टेक क्या है, जो अगर आपको वाकई में आप चाहते हो आपके हेयर ठीक हों, मोटे हों, घने हों, हेयर फॉल स्टॉप हो, नए हेयर रिग्रोथ हों, तो ये दो चीज़ें करना मैंने की है एक्सपीरियंस, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हेड स्टैंड, शीर्ष आसन की और बालायाम की, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको 10 दिन 20 दिन या 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये आप करो, रेगुलर करो, 2-3 मंथ में आपको इसके रिजल्ट चौंका देने वाले मिलेंगे। तो अगर आप हेड स्टैंड बालायाम नहीं करते हो तो आप हेड स्टैंड 5 मिनट तक कर सकते हो, स्टार्टिंग में 2 मिनट 1 मिनट जैसे भी कर सकते हो, फिर 5 मिनट तक कर सकते हो, और बालायाम सुबह खाली पेट और शाम को भी कर सकते हो, सुबह खाली पेट 10 मिनट कर सकते हो और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हो।
अब बात करते हैं आज की वीडियो की बोनस टिप्स क्या है। मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर बहुत सारे भाई लोग के माइंड में होगी भाई आपने अनियन जूस बताया नहीं, एलोवेरा बताया नहीं, तो मेरे भाई आप अनियन जूस लगा सकते हो, ये आप पे वर्क करता है। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी ब्रांड जैसे कि वाओ, बहुत सारे मामा अर्थ, ये सब क्यों अनियन का ही प्रोडक्ट अनियन के नाम पे निकाल रहे हैं। तो आप अनियन लगाओ, उसका बहुत ही ज़्यादा वर्क आपके हेयर पे दिखेगा। तो आपको अनियन सिंपल सा है, घर में आपके होगा, उसको लो और उसका जूस निकालो और अपने हेयर में अप्लाई कर लो। नहाने से आप 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले लगा सकते हो, फिर आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। इसको आप वीक में 3 टाइम कर सकते हो। और अब बात करते हैं एलोवेरा, इसको भी आप 3 टाइम कर सकते हो नहाने के 2 घंटे बाद। जैसे आज आपने अनियन लगाया तो कल आप एलोवेरा लगा लो, ऐसा कर करके 3-3 दिन आप लगा सकते हो। नहाने के 2 घंटे पहले नॉर्मल पानी से वॉश करो, इससे भी आपकी हेयर की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। और आपको मैं एक ड्रिंक बता रहा हूँ, ले लो, गर्मियाँ आ चुकी हैं, मैं बात कर रहा हूँ आंवला जूस, पतंजलि का आप ले सकते हो, 2 ढक्कन सुबह पी सकते हो, या आप अगर आंवला हो तो जो आंवला पेड़ का आंवला होता है उसको 1 या 2 खा सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये करना स्टार्ट करो। और मेरे भाई लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा, बैड हैबिट इससे दूर रहो, इससे दूर रहोगे तो आपकी हेयर की क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस ये थी वीडियो, अगर वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो में वाकई में हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो का लाइक एम तो हाँ भाई 5000 रख रहा है, मुझे पता है आप सभी करा दोगे। तो गाइस 5000 इसका लाइक एम करा देना। और अगर आपको इस वीडियो में हेल्प मिली हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। जैसे ही इस वीडियो का लाइक एम 5000 होता है मैं न्यू वीडियो डाल दूंगा, तो जल्दी से करा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।